हेलो फ्रेंड्स, मैं उसमें स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मुझे अन्वेषा चैटर्जी की रिक्वेस्ट है कि मैम आप डेयरी मिल्क चॉकलेट से केक की रेसिपी शेयर करें। तो अन्वेषा जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये बना रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब देर ना करते हुए हम बनाते हैं चॉकलेट केक विथ डेयरी मिल्क चॉकलेट। इसके लिए हमें चाहिए 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये मैंने 20 रुपीज़ का एक पैकेट चॉकलेट लिया है और ये 24 ग्राम का एक पैकेट है, तो आपको 2 लेने हैं। अब हम चॉकलेट के टुकड़े कर देंगे ताकि इसका हम गैनाश बनाएं तो ये आसानी से मेल्ट हो जाए। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब इसमें हम गरम दूध डालेंगे। ये मैं 4 चम्मच दूध के डाल दूंगी। दूध आपका गरम होना चाहिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए रखिए, ये मेल्ट हो जाता है जल्दी से। ये चॉकलेट केक भी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। डेयरी मिल्क चॉकलेट आप चाहें तो 3-4 पैकेट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसे मैं बिना कोको पाउडर के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप हमें बिना कोको पाउडर के केक बताएं। अब देखिए, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। केक का बैटर बनाने से पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। इस तरह का आप केक टिन ले लीजिए, इसमें हम थोड़ा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास ये केक टिन ना हो तो आप कोई भी स्टील का टिफ़िन बॉक्स हो, कुछ भी हो, ले सकते हैं। मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम बैटर बनाते हैं। 1 कप मैदा लेंगे। अब मैं इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर का डाल रही हूँ। इससे आपका केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो ना डालें। 1/4 कप पाउडर शुगर, ये मैंने चीनी को घर पर ही पीस लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबको हम अच्छे से छान लेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे केक की रेसिपी शेयर की है चॉकलेट केक की, तो उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभार चीनी अच्छे से नहीं पीसती तो इस तरह दाने रह जाते हैं, इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो चॉकलेट गैनाश बनाया था वो इसमें डाल देंगे। ये मुझे रिक्वेस्ट थी डेयरी मिल्क चॉकलेट की। अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट आप यूज़ कर सकते हैं। सारा इसमें डाल देंगे, इससे भी आपका केक बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत से लोगों को डार्क चॉकलेट नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये डेयरी मिल्क चॉकलेट ही ठीक रहेगा। अब इसमें हम दूध डालेंगे। ये मैंने 1 कप दूध लिया है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा। अब मैं और थोड़ा डालती हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो चुकी है, तो इसमें मैं और दूध नहीं डालूँगी। इसमें मुझे 3/4 कप ही दूध लगा है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच बारीक काटे हुए काजू के डाल देती हूँ। इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब हम बैटर को केक टिन में डाल देते हैं। ये देखिए, बैटर इस तरह से होना चाहिए, ये परफेक्ट है। सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे, ज़रा भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसे हम हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि कोई भी एयर बबल ना रहे। मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जब आप बैटर बनाना शुरू करते हैं तब आप कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया करें। अब इसमें हम केक टिन रख देते हैं।
और इसे हम ढक कर 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम बेक होने के लिए रख देंगे। हर किसी का गैस का फ्लेम कम ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा। अब इसे 40 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए केक अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम साफ़ निकली है। और हमेशा आप सेंटर में ही डाल के चेक कीजिए, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है। अगर सेंटर में आपका केक पक गया तो समझिए अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे, ये देखिए केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं, इसके ऊपर आप प्लेट रख के इसे पलट लीजिए ध्यान से। अब हल्के हाथों से टैप कीजिए और हल्के हाथों से ही इसे निकालिए, ये देखिए वाओ कितना अच्छा परफेक्ट केक आपका निकला है। ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ, कितना फूला भी है और ये कितना स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम फ्रॉस्टिंग करेंगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप इसे पलट कर भी कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट गैनाश पड़ा था, ये इस पर हम डाल देंगे, सारा चॉकलेट गैनाश मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ चॉकलेट को फैला दूंगी, इस तरह से आसानी से चॉकलेट गैनाश फैल जाता है, चारों तरफ ये अच्छे से इवनली फैलता है। ये देखिए आप देख सकते हैं दिखने में ये कितना सुंदर केक बना है, तो खाने में सोचिए कितना अच्छा होगा। आपने देखा ये कितना इजी है इसे बनाना, और इसके ऊपर आप नाम भी लिख सकते, किसी का बर्थडे है या आप इसे किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते जिस तरह आपका मन हो। मैंने सिंपल रखा है, आप जैसे चाहें इसे डेकोरेट कीजिए। अब इसे मैं काट के दिखाती हूँ, ये देखिए काटने पर ही आपको पता चल जाएगा कि केक कितना स्पंजी है। ये देखिए इस तरह इसे आप काट लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको चॉकलेट स्प्रेड की फ्रॉस्टिंग करके केक बताया था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसे मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए केक चारों तरफ से अच्छे से बेक हो चुका है, कहीं से भी आप देख सकते कच्चा नहीं है, अच्छे से बेक हो चुका है। आप लोगों को ये केक की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह जाए तो वो भी आप मुझे बताइए, तो मैं उसे भी ठीक करूँगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।